हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है अटैक ऑफ 50-फुट चीयरलीडर। मूवी की शुरुआत में हम आयरन कोस्ट यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां चीयरलीडिंग की कैप्टन ब्रिटनी बाकी लड़कियों का टेस्ट ले रही है चीयरलीडिंग के लिए। इसी में कैसी भी अपना ऑडिशन देती है पर वो फेल हो जाती है। फिर वो ब्रिटनी से एक और चांस मांगती है पर ब्रिटनी उसे चांस नहीं देती। इसके बाद कैसी बायोलॉजी लैब में आ जाती है क्योंकि यहां वो काम करती है। कैसी काइले को बताती है कि उसकी माँ भी 3 साल चीयरलीडिंग की कैप्टन रह चुकी है। तभी वहां डॉक्टर हिक्स और मिस्टर आ जाते हैं। डॉक्टर हिक्स बताते हैं कि कैसी और काइले इसी लैब में काम करते हैं। इसके बाद वो मिस्टर ग्रे को एक चूहा दिखाता है जिसे इन्होंने एक दवाई से सुंदर बना दिया है। काइले बताता है कि हम एक ऐसी दवाई पर काम कर रहे हैं जो चीजों को सुंदर बनाती है और इससे साइज भी बढ़ता है। मिस्टर ग्रे इसका रिजल्ट देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये प्रोजेक्ट तो आग लगा देगा, चलो सेलिब्रेट करते हैं। पर कैसी कहती है सॉरी, मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। और वो से जेट हाउस आ जाती है जहां एक लेडी उसे और दूसरी 2 लड़कियों को एक रूम में ले जाती है और उन्हें बंद करके वहां से चली जाती है। जहां एक लड़की बोलती है अगर तुम्हें जेटा मुंह बनना है तो तुम्हें हमारी बातें माननी होंगी। इसके बाद कैसी अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करती है। उसकी माँ बताती है कि उसकी सिस्टर ने स्क्वाड का सिटी टूर्नामेंट जीत लिया है और वो उसे ट्रॉफी दिखाती है। कैसी अपनी माँ से झूठ कहती है कि वो भी टीम में सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद कैसी वापस लैब में आकर बैठ जाती है और उसे ब्रिटनी और उसकी माँ की बातें याद आती हैं और वो परेशान होकर वही अपना एक्सपेरिमेंट वाला इंजेक्शन लगा लेती है। इसी दौरान उसकी कुछ बूंदें नीचे मकड़ी पर गिर जाती हैं। इसके बाद कैसी वहाँ से चली जाती है और सुबह उठने पर वो देखती है कि वो बहुत खूबसूरत हो चुकी है। इसके बाद वो चीयर गर्ल्स के पास आती है जहाँ सभी उसे देखकर जल जाती है। इसके बाद टिफ जब बाथरूम में नहा रही होती है तो वहाँ एक बड़ी सी मकड़ी आ जाती है। ये वही मकड़ी है जिसके ऊपर वो दवाई गिरी थी। टिफ वहाँ से भाग जाती है पर इसके पैर में चोट लग जाती है। ब्रिटनी उस पर गुस्सा करती है कि अब तुम्हारी जगह किसी और को रखना पड़ेगा। कैसी कहती है कि मुझे इसकी जगह रख लो। ब्रिटनी मना करती है पर बाकी मेंबर्स के कहने पर वो उसका ऑडिशन ले लेती है जिसमें कैसी इजीली पास हो जाती है और ब्रिटनी खिसियाते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद ब्रेंडन कैसी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर अचानक कैसी का साइज बढ़ने लगता है और तभी वहाँ एक बड़ी सी मकड़ी आ जाती है जो कैसी को छोड़कर ब्रेंडन के पीछे चली जाती है। भागते हुए ब्रेंडन गिर जाता है। तभी कैसी वहाँ आकर उस मकड़ी को मार देती है और उसकी टांग लेकर काइले के पास आ जाती है। काइले उसे देखकर हैरान हो जाता है। कैसी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं सिर्फ सुंदर दिखना चाहती थी। काइले कहता है कि हम ये सब ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर हिक्स को बुलाता है। इतनी बड़ी लड़की देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं पर डॉक्टर हिक्स कहते हैं कि इसे यहीं छिपा कर रखो, मुझे मिस्टर ग्रे से बात करनी होगी। पर कैसी के पास इतने बड़े कपड़े नहीं थे इसीलिए वो एक बड़े डमी से कपड़े उतार लेती है। इधर ब्रिटनी के पास बेंडन आ जाता है जो उसे बताता है कि कैसी लगातार कैसे बढ़ रही है। इधर काइले कैसी के लिए एंटीडोट बना लेता है जिसे वो उस मकड़ी की टांग पर टेस्ट करता है और वो एंटीडोट काम कर जाता है। डॉक्टर हिक्स मिस्टर ग्रे को कैसी के बारे में बताते हैं जिस पर मिस्टर ग्रे उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो इस बड़ी सुपर चीयर लीडर से बहुत पैसे कमा सकता है। इधर लैब में ब्रिटनी काइले के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे भी कैसी की तरह सुंदर बनना है और वो काइले के साथ जबरदस्ती करने लगती है। इसी बीच उसे इंजेक्शन का डबल डोज लग जाता है। ब्रिटनी चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर जेट कैसी को बताती है कि काइले तुम्हें पसंद करता है। फिर जेट बाहर आकर कैसी को बुलाती है और बाहर उसे मिस्टर ग्रे मिलता है जो कहता है कि हमारे साथ चलो, हमें तुम पर कुछ टेस्ट करने हैं। काइले उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उस पर अटैक कर देता है। जेट कैसी से कहती है भागो नहीं तो ये तुम पर चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट करेगा। कैसी भागने की कोशिश करती है पर ये लोग उसे घेर कर उसे बेहोश कर देते हैं और मिस्टर ग्रे उसके साथ अपनी कुछ पिक्चर्स भी खिंचवाता है और इसके बाद वो कैसी को जंजीरों से बांध देते हैं। मिस्टर ग्रे बताता है कि मैं कैसी से स्टेडियम में चीयर लीडिंग करवाऊंगा, इससे लोग खींचे चले आएंगे। काइले कहता है कि इसके साइज के बारे में लोगों को क्या बताओगे। मिस्टर ग्रे कहता है कि मैं कहूंगा कि ये एक रिमोट कंट्रोल स्पेशल होलोग्राम 50-फुट चीयर लीडर है। हम देखते हैं कि कैसी की माँ भी स्टेडियम में आ चुकी है और इधर ब्रिटनी भी साइज में बहुत बड़ी हो गई है और वो भी एक डमी से कपड़े उतार कर पहन लेती है। लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। काइले भी कैसी के लिए एंटीडोट ले आता है पर मिस्टर
मिस्टर ग्रे के गुंडे उसे पीटने लगते हैं। उसे पिटता हुआ देखकर केसी इजीली अपनी जंजीरें तोड़ लेती है और काइले को बचा लेती है। फिर काइले केसी को एंटीडोट लगाने आता है, पर केसी मना कर देती है और कहती है कि ब्रिटनी से मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। और ब्रिटनी भी स्टेडियम पहुंच जाती है। मिस्टर ग्रे भी उसे पकड़ने आ जाते हैं, पर इस बार उसकी गन काम नहीं करती और ब्रिटनी मिस्टर ग्रे को पकड़ लेती है। इसके बाद केसी भी वहां आ जाती है और वो देखती है कि ब्रिटनी ने मिस्टर ग्रे को एक पोल पर टांग दिया है। इधर ब्रिटनी स्टेडियम में चीयर लीडिंग करने लगती है, जिससे पूरा स्टेडियम हिलने लगता है, लोग भागने लगते हैं। तभी वहां केसी भी आ जाती है और इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और फिर केसी एक किक मारकर ब्रिटनी को गिरा देती है, जिसके बाद ब्रिटनी गुस्से में उठकर केसी को मारने लगती है और जल्द ही वो केसी पर भारी पड़ने लगती है और उसे पटक देती है। काइले केसी को एंटीडोट देता है और वो ब्रिटनी को लगा देती है, जिसके बाद वो वापस छोटी होने लगती है और केसी भी एंटीडोट लेकर छोटी हो जाती है। और हम देखते हैं कि ब्रिटनी पहले से भी ज्यादा छोटी हो गई है, क्योंकि उसके डबल डोज लगी थी। और ब्रिटनी चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।